हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और अभी वक्त हो रहा है 12:30 और हम लोग अभी निकले हैं जस्ट निफाड के लिए। निफाड जहां अंगूर की खेती होती है, मतलब पूरे भारत में अंगूर का सप्लाई यहीं से होता है। तो आप बन रहे मेरे वीडियो के साथ। जो लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जस्ट अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, काले सूत्रे हैं। 2 घंटा बैठे बैठे आगे पीछे सब जाम हो चुका है। देखते हैं, थोड़ा गुड़ खाएंगे टेस्ट करने के लिए। वेरी गुड टेस्ट करा रही है। हाँ, ये सारे अंगूर के पेड़ हैं जिसमें पेपर लपेटा गया है। वो अंगूर को धूप से बचने के लिए लपेटा गया है, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा धूप पड़ने से अंगूर ख़राब हो जाएंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे। हाय फ्रेंड्स, जस्ट अभी पहुंचा हूं मैं इस गांव में। ऐसा बाइक से आया, किसी ने छोड़ा था मेरे को। और आज देखेंगे अंगूर की खेती, गन्ने का खेती, प्याज का खेती और भी बहुत कुछ, क्योंकि गांव का माहौल है तो मज़ा आने वाला है। ऐसा जितना भी दिख रहा ना, छोटा छोटा मतलब बना हुआ, वो सब के सब क्या है कि अंगूर का खेती हो रहा, उसमें होता है अंगूर लटके हुए। तो जैसे वो लोग आ जाएंगे, मैं सबसे पहले आ गया था, मुझे बाइक से छोड़ा गया। बहुत प्यारा गाँव है और यहाँ घर तो कमाल के भाई, कसम से हवेली दिखता है, हवेली एक नंबर गांव, सॉरी एक नंबर घर है, और सारे घर हवेली दिखते हैं। हवेली यहाँ पर घर है, वो और मस्त दिखता है, सामने जो है एक नंबर दिख रहा है कसम से। प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे यार, लाइक कर दे यार, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले यार, प्लीज़ यार। ये निफाड़ गांव में बहुत बड़ा डैम है, जो समय के अनुसार मतलब पानी यहां से छोड़ा जाता है। फिलहाल कोविड की वजह से इसको बंद किया गया है, और यहां पर विदेशी पक्षी बहुत सारे आते हैं, पता नहीं इस बार है कि नहीं है, और हम देखेंगे, क्योंकि ये जगह बहुत ही खूब। और आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है कसम से। मतलब कैमरा में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन नज़दीक से देखने में क्या नज़ारा है, मतलब किसी फिल्म के शूटिंग के स्थल से कम नहीं दिख रहा है। और इस तरफ कुछ रामायण से घटी हुई घटनाएं मौजूद हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर शुभनखा का मतलब नाक को काटा गया था, शायद लोग कहते हैं ऐसा ही। यहाँ के लोगों का कहना है कि नासिक का नाम शुभनखा के नाक काटने की वजह से नासिक पड़ा। अब कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग यही कह रहे हैं। We'll be right back.
गांव का हवा पानी, यहाँ का माहौल, यहाँ का क्लाइमेट सब बिल्कुल अलग होता है, बहुत ही प्यारा होता है और गांव के लोग भी बहुत प्यारे होते हैं। आप ये जगह जो देख रहे हैं बहुत ही प्यारा जगह है, गांव स्वर्ग से कम नहीं होता है, गांव स्वर्ग ही होता है। ये वाला कांड मरीचबद यहीं पर हुआ था, मुझे विश्वास नहीं होता लेकिन लोगों का कहना यही है कि मरीचबद जो था ये यहीं पर हुआ था। सो फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई।